ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामवटुं आदिश्य कथितम्। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज इसके आगे थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़िए। बोले भगवान श्रोयताम यदि कुतूहलम् यः संपादित सायंतन कृत्ये अत्रैव कुशास्त्रम् अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानासु वृततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चन्दनबिन्दौ इव इन्दौ कौमुदी कपटेन सुधाधाराम् इव वर्षति गगने अस्मन्नीतिवार्ताम् शुश्रूषुषु इव मौनमाकलयत्सु पतयकुलेषु कैरवविकासहर्षप्रकाशमुखरेषु चञ्चलीकेषु अस्पष्टाक्षरम् कम्पमाननिःश्वासम् स्वथत्कण्ठम् भर्भरितस्वनम् चीत्कारमात्रम् दीनतामयम् अति अवधानद्रव्यत्वात् अमृततमिष्ठतम् क्रन्दनम् अश्रौषम्। हाँ, अब यहाँ से आप थोड़ा देखना, उन्होंने पूछा ब्रह्मचारी गुरुणा, पीछे वाले पैराग्राफ में देखिए, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकां सांत्वयितुं, बालिका को शांत करने के लिए श्याम भट्ट को आदेश दिया गया। उन्होंने पूछा योगिराज ने कि किस लड़की की ध्वनि है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन है, कैसा है। अब इसका जवाब ब्रह्मचारी गुरु ने इस प्रकार से दिया, भगवान, ये भगवान संबोधन है योगिराज के लिए जो पर्वत शिखर से नीचे उतरे हैं उनके लिए, ठीक है। कहाँ गए जी वो संस्कृत गंगा के, हाँ बुलाइए उनको। श्रूयताम यदि कुतूहलम, कभी कभी ये सवाल पूछता है, श्रूयताम यदि कुतूहलम किसका कथन है, किससे कह रहे हैं योगिराज को ये कुतूहल था कि ये ध्वनि किसकी है, कहाँ से आ रही, कौन बोल रहा है, कैसे हैं, इसका। तो उन्होंने कहा श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको बहुत कौतूहल है किसकी ध्वनि है, कौन बोल रहा है, तो आप सुनिए। यह माने कल, यह माने, अब वो बताते हैं यह, और सबसे नीचे आ जाइए क्रंदनम अश्रौषम। कल मैंने करुण क्रंदन सुना, अश्रौषम सुना, क्रंदनम क्रंदन सुना, ऊपर से नीचे का अन्वय बन गया। यह क्रंदनम अश्रौषम, कल मैंने चिल्लाहट सुनी, और उसके ठीक नीचे की लाइन से एक लाइन ऊपर चढ़ जाइए जहां लिखा है क्रंदन कैसा था। बोले क्रंदन का विशेषण बताया, क्रंदन कैसा था, बोले अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम कंपमाननिःश्वासम क्रंदनम स्लथत्कंठम क्रंदनम घरघरितस्वनम क्रंदनम चीत्कारमात्रम क्रंदनम दीनतामयम क्रंदनम अति अवधान श्रव्यत्वात् क्रंदनम अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम। ये सब क्रंदन का विशेषण है। अब एक एक विशेषण जोड़ दीजिए तो आपको अर्थ पता चल जाएगा। कल मैंने क्रंदन सुना, कैसा क्रंदन था, बोले जिस क्रंदन में अक्षर स्पष्ट नहीं थे, अस्पष्ट अक्षर वाला क्रंदन मैंने कल, और कंपमान नहीं श्वास, कांपती हुई सांसें थी। आदमी रोता है तो उसकी सांसों में कंपन होता है, इसीलिए कहा कंपमान नहीं श्वासम ऐसा क्रंदनम, जहां सांसें कांप रही थी ऐसा क्या क्रंदन। और बोले स्वथत कंठम, कंठ भर गया था, कंठ ढीला था, बोले रोते 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 कंठों में शिथिलता आ जाती है। बोले स्वथत कंठम घर घरित स्वनम, स्वन माने ध्वनि, जिस कंठ से, जिस गर्दन से ध्वनि आती है उसमें घरघराहट हो जाती, क्या होती है, तो ऐसे घरघराते हुई ध्वनि वाले क्रंदन को मैंने सुना, और जिसमें चीत्कार मात्र, जिसमें चिल्लाना था, चिल्लाहट थी, चीत्कार था, हाय मम्मी हाय पापा, बहुत जोर जोर से रो रही थी,
ऐसे जिसमें चीतकार था और जिसमें बड़े दीनता के स्वर थे, ऐसे दीनता के अति अवधान बहुत सावधानी पूर्वक, सब अपनी टीम को बुला लीजिए, बहुत सावधानी पूर्वक जो चिल्लाहट क्रंदन हमें सुनने पर सुनाई पड़ रहा था, ऐसे क्रंदन को मैंने सुना। अब आपको पूरा पैराग्राफ का एक सामान्य अर्थ समझ में आ गया, बाकी सारे विशेषण किसके थे और ये क्रंदन कब मैंने सुना, इसके लिए आप देखिएगा लिखा है संपादित सायंतन कृत्य, संपादित सायंतन, जब मैंने अपने सायंकालीन कृत्य को कर लिया था तब सुना। अब समझ में आ गया, कल जब मैं अपनी संध्या वंदन इत्यादि को कर लिया था तो मैंने क्रंदन सुना। अब सारा विशेषण जो सप्तमी बहुवचनांत का है इसको जोड़ देंगे, पूरा पैराग्राफ आपको समझ आ गया। समझ में आ गया, अब पूरा हो गया कि कहा भगवान, अय भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको कौतूहल है तो सुनिए। यह माने कल जब मैं अपनी सायंकालीन कृत्य को संपन्न कर लिया था तो अत्रैव, बोले यहीं पर, अत्रैव माने कुशास्तरणम अधिष्ठिते, मैं कुशा के आसन पर मैं बैठ गया था और परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, चारों ओर हमारे छात्र लोग बैठे थे, चारों ओर क्या बैठे थे, धीर समीर स्पर्शेन, धीरे धीरे हवा चल रही थी, मंद मंद आंदोल्यमाना सुव्रतितेषु, मंद मंद हवा के चलने से आंदोलित हो रही थी लताएं, व्रतति माने। अब वो सब ये बता रहे हैं कि जिस समय ये क्रंदन मैंने सुना उस समय का माहौल क्या था, वो बताए सायंकालीन कृत्य समाप्त हो गया था, मैं यहीं बैठा था, हमारे चारों ओर छात्र बैठे थे, शाम का समय था, धीरे धीरे हवा चल रही थी और समुदिते यामिनी कामिनी, यामिनी का रात्रि रूपी कामिनी, चंदन बिंदव इंदव, चंद्रमा निकल चुका था और रात्रि रूपी नायिका के मस्तक पर जैसे टिकुली लगी हो, टिकुली समझते हैं, बिंदी लगी हो, ऐसी बिंदु के समान चंद्रमा भी आ चुका था। क्या समय रहा होगा, 6:30-7:30 बजे का समय रहा होगा, वो ब्रह्मचारी गुरु योगिराज से बता रहे। और कहा इसके बाद कौमुदी कपटेन, कौमुदी माने चंद्रिका, बोले चांदनी के बहाने से सुधा धारा यू वर्षत, मानो अमृत की धारा बरस रही हो, कहाँ गगने आकाश में, और असमन्नीति वार्ताम सुश्रु सुशी, मानो हमारी, देखिए शाम के समय गुरुजी बैठकर कुछ नीति की बातें बताते थे, तो उसने कहा मानो हमारी नीति की बातों को सुनने के लिए मौनमा कलयत्सु, मौन धारण कर लिए हैं पतंग कुलेसु, पक्षी समूह, मानो सभी पक्षियों ने मौन धारण कर लिया। आपको पता ना शाम के समय पक्षी की कुकलाहट खत्म हो जाती है 6:30-7 बजे के बाद। बोले कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेसु चंचरी, चंचरीक माने होते हैं भौरे, बोले कि कैरवों के विकसित होने से, कुमुदिनी के खिल जाने से, हर्ष के मारे उनका मुखर चेहरा, उनका मुखरित होना क्या हो गया था, चंचरीक मुखर हो चुके थे। जब चांदनी निकलती है ना तो कुमुदिनी खिल जाती और कुमुदिनी के खिलने से बड़ी खुशी हुई किसको, भौरों को, और भौरों ने मारे खुशी के, मानो हर्ष के चंचलिक बोलने लगे, मुखर हो गए, माने भौरों की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। तब मैंने अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट अक्षरों से कंपमान निश्वासम, कांपती हुई सांसों से, श्रतत कंठम थोड़ा शिथिल कंठ से, घरघरित स्वनम घरघरित होने वाली आवाज से, चित्कार मतलब जिसमें से चिल्लाहट निकल रही थी, जो बड़ी दीनता का स्वर था, अति अवधान श्रव्यत्वा, जिसको बहुत ध्यान से सुना जा सकता था, इतनी दूर आवाज आ रही थी कि बड़ा ध्यान से आदमी सुने तब समझ में आए, अनुमित दविष्टितम, अनुमित दविष्टितम का अनुमान के द्वारा ये लग रहा था कि मानो ये आवाज बड़ी दूर से आ रही है, ये चिल्लाहट की आवाज बड़ी दूर, ऐसा क्रंदन मैंने सुना। किसने सुना, कब सुना, शाम के समय, ठीक है, कुशास्तरणम अधिष्ठिते मई, जब हम कुशा के आसन पर बैठ गए थे, श्रूयताम ये कर्मवाच लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यदि कुतूहल तो श्रूयताम लिखा है ना, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, जैसे पठ्यताम लिख्यताम चल्यताम गम्यताम भूयताम ऐसे ही, और अधिष्ठिते अधिस्थापता सप्तमी का एक वचन हो जाएगा अधिष्ठिते, अश्रंशम सबसे लास्ट में लिखा है श्रु धातु का लुम लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन, जिसका अर्थ है सुना, मैंने क्रंदन को सुना। किसने सुना, क्या सुना, क्रंदन, वो क्रंदन बहुत दूर से आ रहा था, स्पष्ट अक्षरों में था, श्रथत कंठम में था, कंपमान निश्वासम, ये सब क्रंदन का विशेषण है। और जितना सप्तम में पद है, मेरे ऐसा होने पर, मेरे ऐसा होने पर, मेरे ऐसा होने पर, मेरे ऐसे होने पर, ऐसे ऐसे समय पर मैंने इस क्रंदन को सुना, ये पूरे पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस है, भगवान
मैं ऐसा ऐसा था उस समय मैंने क्रंदन सुना। इतनी बातों को इन्होंने 5-6 लाइनों में कहा। अब आगे आपको टेस्ट भी देना है, इसलिए हम आज इतना ही एक ही पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। कल मैं फिर इस पैराग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा। और बाकी यदि आपको एक शिकायत थी, कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि बहुत सारे लोगों को ना, यदि आप ऑनलाइन क्लास भी लेते थे तो कुछ कक्षाएं बीच में बाधित होती थी या क्रम से नहीं होती थी, एक क्रम से नहीं मिलती थी। इसके लिए संस्कृत गंगा ने एक ऐप बनवाया है और वो ऐप विधिवत लॉन्च हो चुका है। कितने सारे लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है? हाँ, तो नहीं आया है। उस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आज आपके सामने टीम है, वो बताएगी आपको क्या क्या करना है। तो 10 मिनट में आप उसको सीख जाएंगे, उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। आप अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं, पहले उनको सुन लीजिए कि उसको कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या है। और बाकी इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो अपना मोबाइल अपने हाथ में निकाल लीजिए, ताकि यहीं पर जो समस्याएं हैं वो आपकी पूरी हो जाए। सबका अपना डाटा खोल लीजिए और उसके बाद यहाँ जो दिक्कत है वो 5-10 मिनट में आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद भी यदि समस्याएं हैं तो ये लोग आपको समस्याओं को पूरा करेंगे। ठीक है जी।